स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स स्टार पर। जुड़ गए हमारे खास सेगमेंट फैंटेसी 11 टॉप पिक्स। बात करेंगे आज जो सुपर संडे को सुपर धमाल होने वाला है, डबल हेडर और क्या ही मैचेस हैं भाई। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जबरदस्त टीम और भाई कह सकते हैं आप मैच विनर से लेस है दोनों ही टीमें। दोनों टीमों में क्वालिटी बॉलर्स हैं, एक बहुत ही पावर पैक्ड 11 आपके लिए बन सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा सेफ 11 और एक आप कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स 11, ऐसे भी कॉल्स आपको लेने पड़ेंगे, एक मिक्स रखना है बहुत बढ़िया। सबसे पहले शुभेंदु भाई बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर। देखिए बैटर की अगर बात कर लीजिए तो बटलर पर आप देखिए आपने पर आंख बंद कर भी इनको आप अपनी टीम में ले सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स देंगे। कैप्टन या वाइस कैप्टेंसी में बाद में आएंगे, पर आप इनको टीम में रखिए। हेटमायर भी फॉर्म में, क्या आप अपनी टीम में रखना चाहेंगे? बिल्कुल 100%। हेटमायर को भी आप अपनी टीम में रखेंगे, दो खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें संजू क्या आप दाव खेलेंगे? नहीं, मैं संजू का मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस नहीं आ रही, पर डाउट करेंगे। लेकिन आप मुझे लग रहा है यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स आ रही है, और पंट 11 में मेरी जो होंगी आउट ऑफ द बॉक्स कॉल उसमें मैं इन्हें कप्तान अपना चूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं बटलर को चूज करूंगा, फैफ को चूज करूंगा, विराट कोहली को चूज करूंगा, उसमें प्रोबेबिलिटी कम होगी जीतने की। ध्रुव जुरेल को आप मैं नहीं पिक करूंगा, मुझे ऑलराउंडर चाहिए। मैं जा रहा हूं, देखिए मैं यहां पर आपने देखा तीन खिलाड़ी रख लिया मैंने, मैं लेकिन यहां पर आज जा रहा हूं देवदत्त पड्डीकल के साथ। शायद ये हो सकता है कि आपको नुकसान भी दे, पर मुझे लग रहा है कि इनका आज रन आने वाला, तो ये आपके हो गए चार खिलाड़ी। फिर मेरी टीम में ऐश तो होंगे ही होंगे, अश्विन हो गए, ये आपके पांच खिलाड़ी हो गए। फिर मेरे पास ट्रेंट बोल्ट हो गए, ये आपके पास हो गए दो, मेरे हो गए छह खिलाड़ी, बाकी आपके पांच है, क्योंकि आपने पड्डीकल को अपनी टीम में नहीं रखा। बाकी इसके अलावा चहल को क्या रखना चाहेंगे? आपकी टीम में जगह बनती ही बनती है। मैं चहल को नहीं रख रहा टीम में, बाकी इसके अलावा आप ले लीजिए, आपकी टीम में चहल भी है जी जी। इसके अलावा संदीप शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की है, संदीप को आप बिल्कुल बैक कर सकते हो। तो अगर आप रखेंगे तो आपके 11 तो इधर से नहीं, नहीं मैंने इधर से ही, मैंने जो मेरे को पिक करना था मैंने कर लिया है, लेकिन मेरी वही मैं पंट को अगर मेरे पास सेफ 11 होगी, मैं वन ऑन वन खेल रहा हूं उसमें, तो भाई मैं पॉसिबिलिटी रखूंगा कि मैं जॉस विराट फैफ में बटलर हेटमायर। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आपके पास पड्डीकल हो गए, क्योंकि ये मुकाबला भी अगर आप देखा जाए जिस तरीके से खेला जाएगा, ये है मुकाबला बेंगलुरु ग्रैंड लीग में, आपको बेंगलुरु में मुकाबला खेला जाएगा, यहाँ पर रन बनेंगे। चिन्नस्वामी आपने अपनी स्टार जो टीम बनाई है उसमें तगड़े बल्लेबाज, बिल्कुल बस मेरे को सैमसन का ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी पारी नहीं आ रही तो मैंने उनको नहीं लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर चार बल्लेबाज। इसके अलावा आप देखिए बुल्ट भी हैं, उसके अलावा आपकी टीम में चहल भी हैं और रविचंद्रन अश्विन भी हैं जी। तो ये हो गए राजस्थान के वो खिलाड़ी। देयर इज अ रीजन मैंने संजू सैमसन को नहीं लिया है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट वो फंसते हैं, हसरंगा के अगेंस्ट खराब है, तो इसी वजह से मैंने संजू सैमसन को नहीं लिया, इनका रिकॉर्ड भी खराब है, तो ये सही कॉल भी। यहाँ पर देखिए देवदत्त पड्डीकल पर मैंने रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि वहां सामने स्पिनर होंगे, बड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आपको जैसे मैंने अपनी सेफ 11 में रखा है, मैं अपना यशस्वी को एज ए कैप्टन बैक कर रहा हूं, लेकिन मुझे बटलर पे भी है, क्योंकि जॉश हेजलवुड होंगे, इन दोनों का बैटल भी बड़ा जबरदस्त चलता बिल्कुल। तो आप उसमें मान के भी चल सकते हैं। इस वाले कॉल में आप अपने इंस्टिंक्ट को बैक कर सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद बटलर की भी पारी ना आए, तो आप ऐसे कॉल्स अपने दिमाग से लगा सकते हो। अब आते हैं यहां पर आरसीबी की तरफ, क्योंकि आरसीबी तो यार इनके पास टीम तो अच्छी है, पर चल तो तीन ही खिलाड़ी रहे जी, तो भी देखना होगा कि क्या यहां पर आरसीबी का कोई दूसरा बल्लेबाज चल पाएगा। इसमें तो शुभेंदु भाई आपको ना कोई बैटर उस तरीके से भरोसा नहीं दे रहा। अगर आपको कोई पंट कॉल चूज करनी है, जैसे इनके लिए नंबर 3 लोमरोर खेल रहे हैं, तो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स देखिए जीतने के चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर क्लिक कर गए तो आपकी चांदी हो जाएगी। बिल्कुल, आप फैब डुप्लेसिस के साथ जाएंगे, 100% बेंगलुरु में मुकाबला है या वहां पर जबरदस्त रन करेंगे। विराट ऑलरेडी ऑलवेज ऑलवेज, ये आपके हो गए दो खिलाड़ी, आठ खिलाड़ी हो गए, यानी कि उसके अलावा देखिए रजत पाटीदार तो अभी हिस्सा नहीं है, दिनेश कार्तिक मेरी टीम में तो नहीं रहने वाला है, अभी कॉन्फिडेंस इनका हिला हुआ है, लेकिन मैक्सवेल 100% मैक्सवेल भी, हसरंगा एंड देन आपके जॉश हेजलवुड, मेरे ये होंगे तीन खिलाड़ी हो गए। बाकी आप देखिए मैं यहां पर आप अपने हसरंगा भी रख रहे हो और यहां पर हेजलवुड, 11 खिलाड़ी ये हो गए। हेजलवुड मोस्ट लाइकली फीचर कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा यहां पर आप चेंज करना चाहो तो क्या आप इनको लोमरोर को या शहबाज, ऐसी कॉल्स आप ले सकते हैं, थोड़ी सी आपको जीतने की पॉसिबिलिटी कम होगी, लेकिन ग्रैंड लीग में आप कम पैसे लगाकर अगर ये क्लिक कर गए, ऐसे पॉइंट्स काम कर जाते हैं तो बड़ा इनाम आप जीतोगे, क्योंकि आपके पास जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सब तकरीबन हर किसी की टीम में रहेंगे, होंगे तो ये वो खिलाड़ी रहेंगे जो आपको वहां पर जो अंतर पैदा करेंगे। जायसवाल कप्तान हो जाते हैं, इनको वाइस कैप्टन लोमरोर हो जाते हैं, ये आपके ग्रैंड लीग के सेफ आपके यही बढ़िया है जो आपके टॉप प्लेयर्स, ये आपके लिए अंतर पैदा कर सकते हैं, 1-2-1 जो आप खेलते हैं उनमें, ये जो हमने मेन टीम बताई वो आपके काम की है। तो ये हो गई पहले मुकाबला जो खेला जाएगा आज वहां पर आरसीबी और राजस्थान की प्लेइंग 11, जिनमें आप कैप्टन जाइए जायसवाल की तरफ, वाइस कैप्टन में तो कहूंगा लोमरोर, या तो आप जाइए वहां पर, ये ग्रैंड लीग की आपको बता दी कौन, और वैसे आप जब टॉप प्लेयर्स उसमें जाते हो तो भाई आपके पास यूजी हसरंगा भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, स्पिनर्स का काम आता है, लेकिन चिन्नास्वामी में बैटर्स डोमिनेट करते हैं, तो आप फैफ जॉस बटलर विराट जॉस बटलर, ये कॉम्बिनेशन सबसे इजी एंड सबसे सेफ आपके लिए। अब आ जाते हैं आज के दिन के दूसरे मुकाबले पर, जहां पर केकेआर और फिर चेन्नई आमने सामने होंगे। केकेआर पिछला मुकाबला
हारी है, लेकिन केकेआर जो हमने बार बार बोली यार फाइट करना जानती है, और सामने एमएस धोनी है जो अभी पिछले मुकाबले में भी आप देखिए वहां पर जिस तरीके से जीत हासिल की थी, उनके पास मौका रहेगा नंबर वन बनने का भी। अब आते हैं देखते हैं कि इस टीम से आप किन किन खिलाड़ियों को रखने वाले हैं। जी तो शुभेंदु भाई, जैसा कि हमने देखा कि यार अभी केकेआर के जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, स्टार तो अच्छा मिलने वाला है, ऋतुराज, डेविन कॉनवे मुझे लगता है बीच में फंसेंगे, तो आप सुनील नरेन पे भी भरोसा जता सकते हैं केकेआर से, लेकिन अगर आप यहां से बात कर रहे हैं नहीं, पर ये भी देखिए कॉनवे जिस फॉर्म में आ चुका है जबरदस्त पिछले दो तीन मुकाबले, लेकिन एक फेलियर में मान रहा हूं इनका आ रहा है क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से मैं अपने स्विंग बैक कर रहा हूं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो मैं ऋतुराज को इनको नहीं मान के चल रहे, पर मैं इनको भी मान के चल रहा हूं, ऋतुराज को भी मान के चल रहा हूं। ऋतुराज तो मुझे लगता है कि ऋतुराज के साथ भी वही एक इनका एक ऑफ डे आ जाता है तो इनकी अच्छी पारी आती है, और होप कर रहा हूं कि ऋतुराज की तरफ से एक अच्छी पारी आ जाए। ये दो खिलाड़ी मेरी टीम में रहेंगे और इनके टीम में कॉनवे नहीं है। बाकी रहने रहाने आप कह सकते हैं कि इस टीम के थोड़े से डार्क हॉर्स, कोलकाता में मुकाबला डार्क हॉर्स से बिल्कुल आप अजिंक्य रहाने को बैक कर सकते हैं पूरी तरीके से, कप्तान वाइस कैप्टन का भी दे बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल रहाने को आप रखिए अपनी टीम में। इसके अलावा अगर आप देखें मोइन अली भाई मेरी टीम में वाइस कैप्टन, कैप्टन के बहुत बड़े कैंडिडेट, क्योंकि जब देखिए इनकी बैटिंग थोड़ा सा लेट जरूर आ रही है लेकिन बॉल से हमेशा बड़े ट्रिकी रहते हैं। जड्डू और मोइन के लिए आप अगर आपको मोइन नहीं रखने तो आप जड्डू अपनी टीम में फीचर करा लीजिए, अगर एक ही स्लॉट रखना है तो इन दोनों में से आप एक में से रख सकते हैं जड्डू मोइन अली, मेरे ख्याल से आप किसी पे भी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी कॉल नहीं होगी। शिवम दुबे की आपकी टीम में रहेंगे? शिवम दुबे को आप वही वाली पंच चॉइस पे रख सकते हैं, स्पिनर अच्छे खासे हैं केकेआर के पास, तो ये आपको देखना पड़ेगा केकेआर भरी पड़ी है स्पिनर से और शिवम दुबे उतना अच्छा खेल नहीं पाते, और वहां उनकी अभी वेंकी और राणा के एक फेलियर आया तो वहां पे लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस आ जाएगी, आ सकती है, पर इसलिए मैं शिवम दुबे की तरफ नहीं जाने वाला, मैं भी नहीं जा रहा, बल्कि मैं जा रहा हूं यहां पर कॉनवे हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, रहाने तीन ही हो गए, बाकी देखिए मोइन अली भी है मेरे पास चार, और मेरी टीम में जडेजा भी रहेंगे, पांच ये होंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप देखिए अगर आप रखना चाहते हैं कॉम्बिनेशन बन पा रहा है तो आप ठीक सेना को रख सकते हैं, बाकी अगर कोशिश करेंगे वहां से आप ले ले स्पिनर्स को। यहाँ पर आपका पथिराना है, पथिराना को आप देखते हैं कि अभी कितने बन रहे हैं, पांच खिलाड़ी तो पांच ही ठीक है, मैं छह खिलाड़ी के केआर से चूज जी आपके हो गए पांच खिलाड़ी, मैं भी अभी उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। रहने आपके यहाँ पर भाई ये आपके ऐसे ना जो कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं आप रहने के लिए, ये चेन्नई के वो खिलाड़ी हो गए जिनको आप अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकते हैं। अब आते हैं केकेआर की तरफ जी, और ये देखते हैं पहले तो आप श्रेयस का नाम वहां पर हटा दीजिए, अभी हटाते हैं साकिब अल हसन का भी नाम हटाते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए हमारे जो रजत की थोड़ी सी गड़बड़ी है, हाँ जी, ये नहीं सही कर पा रहे हैं वो जी, ये हमने दो नाम हटा दिए, लेकिन अब आते हैं कि बल्लेबाजी देखने क्या राणा जी चलेंगे। शुभेंदु भाई मुझे ऐसा लग रहा है जेसन रॉय की एक ताबड़तोड़ पारी आ रही है, मैं तो जेसन रॉय को रखूंगा भाई, ये नाम है मतलब इसकी एक परफॉर्मेंस आई जरूर लेकिन बड़ा ऑफ सा, बड़े ऑफ देखी केकेआर की टीम दिल्ली के अगेंस्ट। लिटन दास की भी आप इन दोनों में से आप एक पे दाव लगा सकते हैं। मैं तो रॉय पर ही दाव लगा, मैं भी रॉय पे दाव लगा रहा हूँ, रॉय पे मैंने दाव लगा दिया, बाकी इसके अलावा और मैं वेंकटेश अय्यर पे मैं लगाऊंगा, वेंकटेश अय्यर भी आपकी टीम का हिस्सा होंगे, ये दो खिलाड़ी हो गए आपके लिहाज से सबसे सेफ चॉइस है भाई। मैं यहाँ पर वेंकटेश की तरफ नहीं जा रहा बल्कि मैं जा रहा हूँ इनके अलावा दूसरा जो खिलाड़ी है राणा, वो मैं जा रहा हूँ राणा की तरफ। ओके, ये दो खिलाड़ी, इसके अलावा तीसरा मेरे लिटन भी रहेंगे, ये तीन खिलाड़ी हो गए। मैं अभी रिंकू पे नहीं जाऊंगा, मुझे अगर डाउट रहेगा मंदीप पर इनमें दोनों में से कौन खेलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मंदीप खेले, मैं चाहूंगा जगदीप। अगर वही कॉम्बिनेशन उतरता है आप केकेआर बड़ा है भाई, अनप्रेडिक्टेबल से अपना लाइनअप उतार देती है, क्या पता दोबारा से उसी कॉम्बिनेशन के साथ हो जाए और वहां रो और लिटन को ही हम देख रहे हैं उनमें से एक फीचर करें, तो आपको ये भी देखना है भाई प्लेइंग 11 में कौन फीचर कर रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी टीम प्रिपेयर करनी है, कंपोज करनी है। लेकिन सुनील नरेन आपकी टीम में होगा शुभेंदु भाई? ये देखिए आपके पास ये तीन हो गए यहाँ पर, छह तीन नौ हो गए, बाकी सुनील नरेन होंगे हमारी टीम का हिस्सा। इसके अलावा अगर आप देखिए मैं जाऊंगा उनकी तरफ, वरुण चक्रवर्ती या सुरेश में से आप जा सकते हैं, वरुण की तरफ ही जाऊंगा मैं, तो मेरे ये हो गए दो गेंदबाज, इसके अलावा वहां से मैंने पांच लिए थे और एक मैं अपनी टीम में रिंकू सिंह को रख लेता हूं, भाई रिंकू की परफॉर्मेंसेस आई है तो मेरी टीम में रिंकू आ जाएगा। अभी देखिए उस टीम से मैंने पांच लिए थे, पांच लिए थे, नीतीश राणा छह हो गए, लिटन दास सात हो गए और यहाँ पर रॉय हो गए आठ नौ दस, एक खिलाड़ी बच रहे जो मैंने नहीं, एक खिलाड़ी बच रहे जिनको मैं जाऊंगा वहां पर, अगर आप देखिए तो अगर जगदीशन खेलते हैं तब मैं जगदीशन के लिए जाऊंगा, वरना फिर मैं भी शार्दुल भी आपके पास ऑप्शन, रसल है आपके पास ऑप्शन, हाँ नहीं रसल की तरफ जाऊंगा, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन ऐसा बनता है कि अगर जगदीशन खेलते हैं तो मैं जगदीशन को रखूंगा, नहीं तो मैं रसल को अपनी टीम। रॉय वेंकटेश अय्यर कैप्टन वाइस कैप्टन वाला सही है ये? बिल्कुल सही है, अगर आप देखिए अगर आप राणा के साथ जाना चाहते हैं तो आप उधर से रहाने को भी कैप्टन बना सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि रॉय को कैप्टन बनाओ और रहाने को वाइस कैप्टन बनाओ, या तो फिर आप ऋतुराज रॉय क्योंकि देखिए परफॉर्मर सभी हैं लेकिन आपको बात करनी है ऑन अ गिवन डे स्टैट्स देखकर उस लोकेशन पर उस वेन्यू पर कौन से खिलाड़ी आपको लगते हैं बेटर सूटेबल। ये बताइए प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, राजस्थान और बेंगलोर वाले में से? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा दिमाग कह रहा है कि राजस्थान की जीत होगी।
मुझे भी लग रहा है कि उनकी जो गेंदबाजी है और जिस तरीके की बल्लेबाजी है, राजस्थान जीतने वाली है। दूसरे मुकाबले में मुझे लग रहा है कि केकेआर, मुझे ऐसा लग रहा है कल केकेआर एक जीत निकाल दे। तो अलग बोलो भाई, वही चीज क्यों बोल रहे हो? मैंने तो पहले भाई मेरे को तो लग रहा है केकेआर, मैंने पहले बोला है। नहीं, केकेआर तो मेरी टीम है, इसलिए मैं बैक करता हूँ इमोशनल बेसिस पे। अगर आप मुझसे कहेंगे कि अगर मैं दिल से कहूं तो केकेआर, वरना अगर आप दिमाग लगाकर ज्यादा कहेंगे तो आप जरूर सीएसके को वहां पर। तो बाकी पहले में जो हमने बोला कि पहले में राजस्थान, दूसरे में केकेआर, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतेंगी, चेन्नई या बैंगलोर या राजस्थान? कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बेटर करेगा। हम आपको शाउट आउट भी देंगे लाइव में कि भाई इन भाई ने सबसे बेटर प्रेडिक्ट करा था कि भाई बटलर, वेंकटेश अय्यर, मतलब ऐसे ऐसे कॉल्स हो जाए, बिल्कुल वेंकटेश अय्यर या फिर ऋतुराज, ऐसे कॉल्स आपके नाम लिए जाएंगे। फिलहाल जी लेते हैं इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।